LFAR में फर्स्ट पॉइंट आता है असेट सेगमेंट, और असेट सेगमेंट में फर्स्ट पॉइंट आता है कैश सेगमेंट। तो बैंक ऑडिट में कैश सेक्शन में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आप चेक कर सकते हो। LFIR की अगर बात करूं मैं, तो आपको चेक करना कि कैश कस्टडी प्रॉपरली मेंटेन हुई है नहीं। जनरली बैंक सेगमेंट में, बैंक में कैश जो है ये जॉइंट कस्टडी में होती है, तो कैशियर एंड अकाउंटेंट और कैशियर एंड मैनेजर, एक सीनियर पर्सनल और एक कैश जो एक्चुअल हैंडल कर रहा है वो, ये दोनों के हाथ में कैश आपके पास कस्टडी में होती है। तो आपको चेक करना है कि जॉइंट कस्टडी प्रॉपरली मेंटेन हुई है नहीं। तो यहाँ पे आपको ऑडिट ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट पीरियड में आप जब जा रहे हो तब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि किस किसके पास होती है, किस तरह से अपना जो सेफ लॉकर है वो किस तरह से ओपन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अगर ऑब्जर्वेशन देखना है कि बैंक में जाने के बाद बैंक मैनेजर अपनी कीज़ अगर कैशियर को देता है और कैशियर दोनों कीज से सेफ लॉकर ओपन कर रहा है, तो आप ये ऑब्जर्वेशन डाल सकते हो कि कैश कस्टडी जो जॉइंट इफेक्टिव कस्टडी है वो मेंटेन नहीं हुई है। यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में ये एक्सपेक्टेड है कि बैंक मैनेजर उसके कीज से सेफ लॉकर ओपन करेगा और कैशियर उसके कीज से ओपन करेगा, तभी आप बोल सकते हो कि जॉइंट कस्टडी इज प्रॉपरली मेंटेन। देन सेकेंड पॉइंट आप ये चेक कर सकते हो कि जिस दिन कैशियर छुट्टी पे जा रहा है तो वो कैश की कीज किस तरह से हैंड ओवर कर रहा है। इसके लिए होता है की मूवमेंट रजिस्टर। तो की मूवमेंट रजिस्टर में जब चार्ज दिया है उसने दूसरे पर्सन को, उसके सिग्नेचर है नहीं है, फिर से कैशियर जब वापस लीव पे से आ रहा है तब वो जो सेकंड पर्सन था उसने वापस कीज हैंड ओवर की है। सिमिलरली बैंक मैनेजर अगर कोई दिन छुट्टी पे जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, तो जो किस कीज हैंड ओवर कर रहा है उसका प्रॉपरली रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। सो की मूवमेंट रजिस्टर इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द कैश कस्टडी वेरिफिकेशन। तो ये आपको चेक करना है कि प्रॉपरली जॉइंट इफेक्टिव कैश कस्टडी मेंटेन हुई है नहीं हुई। देन फिजिकल वेरिफिकेशन करना है आपको कैश का। आप टोटल अमाउंट कैश वेरीफाई कर सकते हो, कैश वेरिफिकेशन 100% कर सकते हो, या फिर आप पैकेट मेथड ऑफ सिस्टम है कैश वेरिफिकेशन के लिए। पैकेट वेरिफिकेशन किस तरह से होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो दिया है, आप वो चेक कर सकते हो। लास्ट ईयर का जो बैंक ऑडिट का फॉर्मेट था, LFIR का फॉर्मेट था बिफोर 2021, वहाँ पे सिर्फ कैश वेरिफिकेशन आपको करना कंपलसरी था, बट ये जो नया फॉर्मेट आया है यहाँ पे आपको ATM वेरिफिकेशन भी करना है। इसी के साथ में आपको ATM का जो बैंक बैलेंस है, जो ATM का बैलेंस है उसको रिकंसाइल करना है आपको आपके स्क्रॉल से, आपके बैलेंस शीट अमाउंट से। तो ये एक नया एक्टिविटी इस नए LFIR में आया है। तो आपको कैश वेरिफिकेशन भी करना है और सेकंड वन ATM का बैंक बैलेंस चेक करके, ATM का बैलेंस चेक करके आपको उसको रिकंसाइल करना है बुक्स रिकॉर्ड से। तो रिकंसिलेशन अगर बनाना पड़ा आपको तो रिकंसिलेशन भी बनाना पड़ेगा इसमें। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैश रिटेंशन लिमिट। जनरली कैश रिटेंशन लिमिट के लिए जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, रीजनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस, वो आपको बैंक को लेटर देती है कि आपका कैश रिटेंशन लिमिट इतना इतना है। अगर ये लिमिट नहीं मेंशन की है, इट इज मेंशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आप बैंक मैनेजर से जाके मिलिए कि भाई आपने कैश रिटेंशन लिमिट किस तरह से डिसाइड की है। पर्टिकुलर साल भर के लिए कैश रिटेंशन लिमिट 1 थी या 1 से ज़्यादा थी, अगर 1 से ज़्यादा थी तो कौन से पीरियड के लिए कितनी थी वो आप नोटिफाई कर लीजिए। फिर CBS सिस्टम से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, आप कि CBS सिस्टम में से रिपोर्ट निकलेंगे आपका कौन से पर्टिकुलर डेट पे कितनी कैश बैलेंस है, और उसको कंपेयर करना है आपको कैश रिटेंशन लिमिट से। जिस दिन भी कैश बैलेंस एक्सेस रखा हुआ है अबव रिटेंशन लिमिट, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपको ये मालूम पड़ रहा है कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डे पे अगर कैश बैलेंस एक्सीड हो रहा है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि इंटरनल कंट्रोल जो बैंक ने सेटअप किया हुआ है वो प्रॉपरली नहीं वर्क कर रहा है, और यहाँ पे सैंपल बेस पे आप जो आपके डेविएशन मिले वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन इंश्योरेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश इन ट्रांजिट, ये लिया है नहीं लिया है आपको चेक करना है। तो जनरली ये जो इंश्योरेंस है ये लिए जाते हैं हेड ऑफिस लेवल पे, बट आपको बैंक मैनेजर को रिक्वेस्ट करना है कि अपनी जो ब्रांच है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसका कवरेज कितना है वो आप HO से मंगाइए। आप अगर 2-3 बार अगर बैंक मैनेजर को कंटिन्यूसली कॉल करते हो कि हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बैंक मैनेजर आपको रीजनल ऑफिस या फिर हेड ऑफिस से उस ब्रांच का कितना इंश्योर कवर्ड है उसकी कॉपी आपको ला के देगा, और आपको वो मिलने के बाद कंपैरिजन करनी है कि आपकी जो कैश इन हैंड है या फिर कैश इन ट्रांजिट जा रही है। कैश इन ट्रांजिट आप ट्रांजिट रजिस्टर से चेक कर सकते हो, जो मूवमेंट होता है कैश मूवमेंट रजिस्टर, उससे आप चेक कर सकते हो कि जो इंश्योर्ड अमाउंट थी और जो एक्चुअल अमाउंट है इसमें डेविएशन कितना है, अगर डेविएशन अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसके अलावा कैश सेगमेंट में काफ़ी कुछ आप चेक कर सकते हो। कैश इन आउट रजिस्टर है नहीं है, टोकन रजिस्टर है, व्हाट इज डिकॉय मनी, अलार्म वर्किंग है नहीं है, तो इस तरह से काफ़ी कुछ कैश एरियाज में कर सकते हो आप। और अगर आपको कंकरेंट ऑडिट कर रहे हो आप तो उसमें भी कैश सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैश सेगमेंट में डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। तो अगर आपको कैश सेगमेंट के बारे में अगर बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छे से अगर कैश एरिया आपको चेक करना है या फिर नॉलेज लेना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस कैश सेक्शन।